एकेडमी है वहाँ वहाँ लेके गए थे, तो सर ने हमें वहाँ एक एज अ साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस किया था उन स्टूडेंट्स के सामने, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था कि सर ने हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट बोला है। माई सेल्फ आरती, आई एम डूइंग माई स्टडीज फ्रॉम एम ए साइकोलॉजी फ्रॉम CRS यूनिवर्सिटी जीन। तो हम जब वहाँ पढ़ रहे थे तो हमारे टीचर्स ने हमें बताया था कि हमें इंटर्नशिप करनी है 25 डेज की। तो उस दौरान हमने बहुत सोचा कि हम कहाँ इंटर्नशिप करें, हमने ये भी सोचा कि हम जो जींद है वहीं से इंटर्नशिप कर लेते हैं। पर उसके बाद हमने रोहतक में कुछ ने सजेस्ट किया, तो हमने ऑनलाइन देखा कि रोहतक में बेस्ट साइकोलॉजिस्ट कौन है, तो उनमें मोस्टली सबसे ऊपर नाम राज आलमपुर सर का था। तो हमने इनसे कॉन्टैक्ट किया, हम यहाँ क्लिनिक में आए थे, तो इन्होंने यहाँ पे हमने इनसे कंफर्म किया कि हमें 25 डेज की इंटर्नशिप करनी है। और हम बहुत बच्चे हो गए थे, हमारी स्ट्रेंथ 20 स्टूडेंट्स की हो गई थी, तो सर को यहाँ मैनेजमेंट करने में भी थोड़ा सा वो हुआ था, पर लेकिन सर ने वो भी हमारे लिए प्रोवाइड किया था। तो फिर यहाँ आके मैं जो क्लासेस स्टार्ट हुई थी उनमें पहले इतनी एक्टिव नहीं थी, तो इतना पार्टिसिपेट भी नहीं कर रही थी, पर लेकिन यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो मैंने सर की ली, तो उनसे थोड़ा मोटिवेट हुई, तो मैं क्लास में फिर अटेंटिव रहने लगी। यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है, काउंसलिंग क्या होती है, डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, फोबिया क्या होता है, अलग अलग चीज़ें सर ने हमें बताई हैं। फिर सर का जो है हम फील्ड वर्क भी करवाया है, तो हमें सर स्कूल्स वगैरह में लेके गए हैं, हमें सेमिनार जो है वहाँ पे भी लेके गए, हमने सर की हेल्प भी की है वहाँ जाके। उसके बाद सर हमें जो कोटा क्लासेस है यहाँ पे रोहतक में एकेडमी है वहाँ वहाँ लेके गए थे, तो सर ने हमें वहाँ एक एज अ साइकोलॉजिस्ट इंट्रोड्यूस किया था उन स्टूडेंट्स के सामने, तो वहाँ पे बहुत अच्छा लगा था कि सर ने हमें एज अ साइकोलॉजिस्ट बोला है। तो वहाँ पे हमने उन बच्चों को बताया था कि साइकोलॉजी क्या होती है और आप इसमें अपना करियर कैसे बना सकते हो, ये उनको मोटिवेट करके आए थे एक तरीके से। फिर सर ने हमें प्रैक्टिकल वर्क भी करवाया है, यहाँ पे क्लाइंट्स आते थे, सर ने हर स्टूडेंट को क्लाइंट से मिलवाया है, जैसे मेरे को मिलवाया था, तो वो जो क्लाइंट था उनको गर्ल्स फोबिया था, तो हमने उनसे डील की, उनके बारे में पूछा कि उन्होंने ऐसा फील क्यों किया, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा, तो ये सब चीज़ें थी। और अगर ये कहना पड़े कि जो हमारे जूनियर है उनको भी इंटर्नशिप करनी है, तो हम यही सजेस्ट करेंगे उनको भी कि राज सर के पास आएं और यहीं से ही अपनी इंटर्नशिप पूरी करें। तो ये बोलना चाहूँगी कि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ बहुत अच्छा रहा था। थैंक यू सो मच।